वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला ख़राब है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले ली है, क्या ले ली है, ऑरेंज बाइट की कैंडी। आप चाहे तो आप कोई भी कैंडी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद में हमें क्या करना है, इनको जो है अच्छे से जार में डाल देना है। इसका हमें पाउडर बना लेना है। ठीक इसी के साथ अभी हम चीनी भी ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद में हमें इसको क्या करना है, इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है दोनों का एक साथ। चीनी अगर आपको बाद में कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जितनी शरबत बनानी है उतने ग्लास आपको ठंडा पानी लेना है। मैंने यहाँ पे 5 ग्लास जो है वो ठंडा पानी लिया है। मैंने जो पर्ल्स कैंडी आती है उससे भी इसको बनाया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एकदम खट्टी मीठी सी। इसके बाद में हमें इसके अंदर पाउडर डाल लेना है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस वक्त आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको चीनी कम लगे तो आप और चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया है एक नींबू, सिर्फ मैंने एक ही नींबू लिया है, ज़्यादा आप ना ले। फिर हमें इसका जूस इसके अंदर डाल देना है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे ले लिए चिया सीड्स। चिया सीड्स आप 2 टीस्पून ले सकते हैं। फिर उसको अच्छे से भिगो के रख दे 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसको ऑरेंज कलर देने के लिए यहाँ पे जो है रेड एंड येलो कलर लिया है, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है। तो मैं रेड एंड येलो कलर को जो इसके ड्रॉप्स हैं हम इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे तो ये ऑरेंज कलर बन जाएगा। आपको जितना भी ऑरेंज बनाना हो आप उतने ड्रॉप इसके अंदर ऐड करके इसको लाइट या डार्क बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइस क्यूब, क्योंकि आइस क्यूब शरबत अगर ठंडी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं इस शरबत को नहीं पीने वाली हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन बाकी सब ज़रूर पियेंगे घर में। तो अगर आपकी भी कोई फेवरेट कैंडी हो जो आपको पसंद हो और आप उसका शरबत बना कर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और उसी के साथ साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इजी और यूनिक और बहुत ही टेस्टी वीडियोस मिलेगी।